बात नहीं मानते। यहाँ मेडिकल है, धनंजय मेडिकल करके। यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स, एम्पोस, हाईवास जो यहाँ ऊपर पार्किंग में, इलीगल पार्किंग में पार्क होते हैं, और जो पार्क हो रही है वो सब यहाँ पे रोड पे मिट्टी डालते जाते हैं, और वही मिट्टी हम लोग के दुकान में आती है पूरा। और हम लोग का दुकान हमेशा बंद होते हुए, मेरा दुकान तो पूरा बंद है, एसी है, पूरा बंद है, तो भी मेरे दुकान में इतना मट्टी आता है कि 3-4 दिन में मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो सोचो ऊपर ऊपर जितने भी अभी इसी बिल्डिंग में 14 से 15 माले तक मट्टी जाती है पूरा घर में, सबका विंडोज बंद रहता है, घर घर रूम विंडोज बंद रहता है, तो भी कितना विंडो बंद रखेंगे हम लोग, कितने दिन तक रखेंगे। तो सरकार से क्या चाहते हैं? ये पार्किंग बंद होनी चाहिए, गाड़ी बंद होनी चाहिए पहला में, ये मट्टी उसके वजह से हो रही है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा मट्टी कम। मेरा ये लैब है, पैथोलॉजी लैब है, ओम लक्स पैथोलैबोरेटरी। यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, इन लोग पानी तो डालते हैं सुबह शाम 2 बार, लेकिन ये पानी इतना होना चाहिए कि कम से कम धूल उड़ना बंद हो। ये धूल के कारण क्या होता है, इक्विपमेंट में जाता है लोगों का, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, नाक में जाता, मुँह में जाता, इससे बीमारियाँ बढ़ेंगी, उससे नुकसान ज़्यादा होगा। बच्चे इधर खेलते रहते हैं, उनको भी नुकसान होता है। अगर अगर इसको कुछ सरकार व्यवस्था कर सके बेहतर रहेगी। धूल का कारण तो ऐसा है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चल रहा है, तो और पीछे खुदाई भी चलती रहती है, उसके कारण उड़ते रहता है, इसके कारण है वो। और कोई कारण तो दिख नहीं रहा है, बस कारण यही दिख रहा है कि धूल के कारण बहुत नुकसान होता है। सरकार से हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा बनाई जाए ताकि इसका धूल कम हो। टैंकर तो हैं, बहुत सारे टैंकर हैं, बहुत सारे ट्रॉलियाँ हैं, बहुत सारे बसेस हैं, बाहर की जो बसेस हैं, आउट ऑफ मुंबई के बसेस आते हैं, यहाँ पार्क होती है पीछे की तरफ, उसके कारण और भी उड़ते रहते हैं। मेरा नाम फ्रांसिस है, मैं यहीं पर रहता हूँ नज़दीक में ही। ये मेरा प्रिंटिंग और स्टेशनरी का है। ये गाड़ियों के वजह से ही हो रहा है, ये छोटे मोटे गाड़ी से ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बट बड़ी बड़ी गाड़ी जब आती है तभी ज़्यादा तकलीफ होता है। धूल इतना उड़ता है कि बाहर खड़े रहने के लिए नहीं होता, बैठने के लिए भी नहीं होता, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं, 10 मिनट में कांच पे पूरा डस्ट इतना बैठ जाता है। यही चाहते हैं कि यहाँ का धूल मिट्टी थोड़ा कम हो जाए, वैसा कुछ करे। मेरा नाम सतीश है, मैं दहिसर वैशाली नगर में रहता हूँ, मैं ध्रुव जनरल स्टोर का चलाता हूँ। यहाँ बहुत मट्टी है, देखिए सर दुकान, देखिए सर यहाँ कुछ नहीं हो रहा, खाली पानी डाल के जाते हैं, वो 10 मिनट के लिए पानी सूख जाता है बस, और कुछ नहीं हो रहा सर। ये टैंकर और बस और इसके वजह से, गिनता नहीं सर मैं,
250 होते। रास्ता है, ये मिट्टी बंद होना चाहिए, कम से कम दिन भर में 10 बार पानी डालना चाहिए, बस मिट्टी बंद होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।